बब्बू आ रहे हैं, पंचर बनाना सिखा रहे हैं। 9 साल पहले क्या आप सब अंधे थे? आपको दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ कमल का फूल है, कहाँ पे हाथ है, आपको तब नजर नहीं आ रहा था? अब हमको शाहरुख खान जी ने डालना सिखा दिया, कहीं भटक मत जाना पंचर छाप। अभी जो जवान मूवी आई थी उसको लेके जो भी वोटर बाहर निकल रहे हैं उनका ये कहना है कि शाहरुख खान ने हमें बता दिया कि वोट कहाँ डालना है, तो उसके बारे में जनता से बात करेंगे क्योंकि जनता भी जागरूक है और जनता जनार्दन है, उनको पता है कि वोट कहाँ डालना है। तो मैम क्या कहना है आपको? देखिए सर, बिल्कुल सही कह रही है जनता कि शाहरुख खान ने हमें एक्चुअली में सिखा दिया है कि वोट कहाँ डालना है, क्योंकि शाहरुख खान ने उसमें जो भी कहा कि अपना वोट ऐसे ही अरे गहरे किसी भी गठबंधन पे वेस्ट मत कीजिए, उन्होंने कुछ भी कहा हो लेकिन उनके कहने का मतलब यही, पॉजिटिव आप निकालिए ना, कोई कुछ भी बोले लेकिन आप पॉजिटिव सोचिए। उन्होंने यही सिखाया है कि अपना वोट, आपका जो मत है, उसे अरे गहरे किसी भी गंवार नेता पे व्यर्थ मत कीजिए, एक अच्छे नेता को दीजिए अपना वोट जो कि देश चलाने की क्षमता रखता हो। तो देश क्या लगता था कि शाहरुख खान ने, अब उनका कहना ये है कि अब हमें सिखा दिया, तो अगर शाहरुख खान उन्हें सिखाते जो स्पेशल समूह के लोग बोल रहे हैं तो वो 9 साल पहले सिखा देते, तो शाहरुख खान ने शायद दोबारा उनको समझाया ये बात। नहीं नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो इस डायलॉग को, इस मोटिव को जो नेगेटिव लेके जा रहे हैं, 9 साल पहले क्या आप सब अंधे थे? आपको दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ कमल का फूल है, कहाँ पे हाथ है, आपको तब नजर नहीं आ रहा था? तब भी तो आप लोगों ने फिर अपना वोट वेस्ट ही किया है, दिल्ली की जनता ने वैसे ही अपना वोट वेस्ट कर दिया है 2 बार झाड़ू का बटन दबा के। अब जनता ने, जब शाहरुख खान किंग खान ऑफ बॉलीवुड इतनी अच्छी सीख दे रहे हैं कि अपना वोट वेस्ट मत कीजिए ऐसे किसी भी पार्टी के ऊपर, अच्छा नेता देख लीजिए उसके ऊपर दिए, उसको वोट दीजिए, तो फिर उस चीज को आप अच्छे से लीजिए, क्योंकि फिल्में जो होती हैं वो समाज का दर्पण होती है, समाज का आईना होती हैं, तो फिर जो वो बोल रहे हैं आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। और ऐसे भी वैसे भी ये जो हमारा गठबंधन है इसकी सच्चाई तो अब जनता के सामने आ ही रही है, और बेशक शाहरुख खान का कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन जो हमारा गठबंधन एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किए जा रहा है उसके ऊपर आप देख के कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी जो है, हमारा जो NDA है, वो एक ही उसका नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो सबको साथ में लेके चलती है, क्योंकि लेकिन आज हम प्राउडली कहते हैं कि हाँ बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म केवल एक चीज सिखाता है कि अपने धर्म पे सुनो मत और दूसरे के धर्म पे बोलो मत। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में जो कहा जा रहा है कि नहीं जो 2024 का चुनाव है इसमें हम बड़ा सोच समझ के वोट डालेंगे? शाहरुख खान का कहने का मतलब ये नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि अब से पहले भटके हुए थे, अब अकल ठिकाने ले आओ कि देख लो देश G20 में देश को आगे मोदी जी ले जा रहे हैं, कहीं भटक मत जाना पंचर छाप। ये कहने का शाहरुख खान का मतलब है, डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम, अब उनको क्या कह दिया, अब हमको शाहरुख खान जी ने डालना सिखा दिया, इसलिए सिखाया है, अभी तक तुम पंचर बना रहे थे और एक पंचर के बजाय 2 पंचर कर रहे थे तुम, ठीक है, तो ये सिखा दिया तुमको कि अपना वोट मोदी जी के नेतृत्व में जाओ, अच्छी जगह ले जाओ, तुम्हारा वोट वेस्ट ना जाए, इस तरह के उन्होंने मैसेज दिया है। अब ये खुश हो रहे हैं, सारे पंचरबाज खुश हो रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं ये लोग। हर बार शाहरुख खान ही उनको समझाएंगे कि वोट कहाँ डालना है, किस स्कूल में पढ़ना है, तो शाहरुख खान को हर बार मूवी लेके आनी चाहिए। तो वही तो ये लोग कह रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं, पंचर बनाना सिखा रहे हैं, ये वही वाले हैं। मूवी एक मैसेज होती है, उसको मैसेज की तरह देखो, ये नहीं दिखाती है कि हकीकत भी होती है उसमें, ये नहीं कि उसको तुमको बता दिया है। अभी तक क्या तुम सोए हुए थे? कहाँ थे अभी तक? पंचर बना रहे थे? शाहरुख खान आ तुमको आके बता दिए कि वोट कहाँ डालना है? इससे पहले क्या पंचर बना रहे थे कि पंचर टायर में हवा भर रहे थे जिसमें कभी भरेगी नहीं है? तो 18 साल की एक उम्र जो होती है व्यस्त की उम्र होती है, उसके बाद वोटिंग होती है, और लोग इतने उम्र वाले जो 50-50 साल के मूवी देख के आ रहे हैं उन्होंने भी वो भी कह रहे हैं कि अब हमें बता दिया कि शाहरुख खान ने वोट। बिल्कुल शाहरुख खान दिखा दिया मुझे, वोट डालना सिखा दिया। अरे अभी तक चचा जागे थे कि सोए थे, मुझे ये बता दो हैं? अरे अब उन्होंने ये कहा है जाग जाओ, यही समय है, क्योंकि अगर समय के अनुसार चलोगे तो सुरक्षित रहोगे, और समय के अनुसार नहीं चलोगे तो बर्बाद रहोगे। ये कहने का मतलब है। तो कम से कम जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो सोचें कि देश के हित में जो काम हो रहा है तो देश के सपोर्ट में रहो। कोई मजहब नहीं सिखाता है कि देश के विरोध में बात करो, ठीक है?
है ना, देश के हित में बात करो। इनको देश में हित में बात करने के लिए कहा कि मोदी जी को चुनो, योगी जी को चुनो। आज गुंडा शांत है और जेल में परेशान है वो। हाँ, तेरा नेत खुलेगा, गुंडा जेल में घुसेगा। हाँ, G20 को लेके भी लोग बहुत ज्यादा बातें बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, गरीबों का पैसा था हमारे टैक्स। मेरी बात सुनो, जिस घर में मेहमान आता है ना, अचानक से भी कोई, हम तो इनवाइट किए थे, अगर अचानक से भी आता किसी गरीब घर में भी मेहमान, तो उसको भगवान समझते हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, अगर उसके घर में पैसा नहीं है तो पड़ोसी से उधार लेके अपने मेहमानों का सेवा करता है। और महातिथि जो भव, और मेहमान हमारे देश में आए थे, हमें उनका स्वागत करना था। आज हमारे देश में स्वागत देख के आज भी इंडिया सोने चांदी से भरा हुआ है। हाँ, और आगे ये लोग हमारे देश को ये खुद सपोर्ट करेंगे, इसीलिए मोदी जी ने इस देश को, आज से पहले तो कोई G20 नहीं हुआ, नहीं हुआ। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, योगी जी हैं तो विश्वास है। हाँ, याद रखो इस बात को। पहले भी सोने की चिड़िया था और आज भी है, और आगे और भी। मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के, मोदी जी सारा जीवन नहीं रहेंगे, पर जिस तरह देश को बना के जा रहे हैं ना, ऐसा कोई बनाने वाला नहीं होगा, और होगा मात्र तो एक योगी आदित्यनाथ होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।